खुड़िया जलाशय में नाव पलटने से एक युवक की मौत। रात में मछली चोरी ना हो इसके लिए दो चौकीदार नाव में गश्त पर निकले थे, जहां नाव पलटने से एक चौकीदार की मौत हो गई, वहीं दूसरे चौकीदार तैर कर जान बचाने में कामयाब रहा। ये पूरा मामला खुड़िया चौकी अंतर्गत राजीव गांधी जलाशय के हैं, जहां राजीव गांधी जलाशय खुड़िया बांध में मछली पालन का टेंडर किया गया है, जिसकी देखरेख के लिए ठेकेदार के द्वारा करीब 25 चौकीदार नियुक्त किए गए हैं, जिन्हें दो शिफ्ट में मछली चोरी ना हो इसके लिए चौकीदार की तैनाती की जाती है, जिसके लिए सुबह और रात दो शिफ्ट में चौकीदार गश्त करने निकलते हैं। वहीं कल रात 8 बजे दो चौकीदार भरत विश्वकर्मा और रोहित यादव वेस्ट वेयर के पास रात्रि गश्त कर रहे थे। इस दौरान पानी की लहर तेज होने से उनकी नाव पलट गई। नाव पलटने के बाद भरत विश्वकर्मा तैर कर बांध से बाहर निकल गया, लेकिन रोहित यादव बाहर निकलते समय मछली के लिए फैलाए जाल में ही फंस गया, जिसकी सूचना तैर कर बाहर निकले भरत विश्वकर्मा ने नौका विहार चलाने वाले सदस्यों को जानकारी दी, जिसके बाद नौका विहार के सदस्य दो नाव में रोहित यादव की तलाश करने निकले, लेकिन भरत यादव कहीं पता नहीं चला। हमन मतलब खुड़िया डैम के चौकीदार हरन गश्त करे बर निकले रहन मछली रखवार, मछली राखे बर, फिर ओखर बाद तीरे तीर आहन हमन चेकिंग करत, फिर ओखर बाद लहरा चालू हुई से, अचानक से लहरा आ गई से, फिर लहरा में नाव डूब गई से, हम मन डूब गए, फिर मैं तैर के निकल गया हूँ बाहर, वो भी निकलत रही से जाल में फंस गई से, वहाँ तो नहीं निकल पाई, नहीं निकल पाई से सुबह वो तब सुबह मैं रात को आके चौकीदार है नौका विहार उमन ला सूचना दे हूँ कि ऐसे ऐसे हो गए, मेरे साथी डूबा है पानी में, ऐसे ही के बताए हैं उमन ला, फिर उमन अपन बोट चालू करके नौका विहार वाले मन गई से खोजे बर, और मन ला लगे हाँ जगह बताए हमें यहाँ कि मैं हूँ हे मैं डूबी समझ ना हूँ ऐसे बोल के, रात की नहीं मिली, रात की नहीं मिली से, सुबह मिली सभी मोर भरत भी सब लोग उनके साथ ही जो पार्टनर थे वो यहाँ पे आए हम लोग के पास रात में, उन लोग चौकीदार लोग हैं, तो उन लोग उनका जो पार्टनर है वो आया था हमारे बीच यहाँ सोने, हम लोग सोते हैं तो बताया कि मेरे पार्टनर द्वारा मतलब डोंगा डूब गया है ऐसे करके, तो हम वो तुरंत गए अपना बोट रख के और साथी उनके साथियों को भी फ़ोन करके बताया गया, उन लोग आए उसके बाद उसको 2-3 घंटे तक हम लोग का बोट में नौका विहार का जो बोट है उसमें हम लोग खुद ढूंढे थे, नहीं मिला, फिर वो नहीं मिला था रात में, उन लोगों का पूरा स्टाफ भी आया था, बाकी चौकीदार सब कोई आए थे और उनके ठेकेदार को भी अवगत कराया गया, साथ में जो रहते हैं यहाँ के जो उनके कर्मचारी लोग सब कोई रात में आए थे। जिसके बाद आज सुबह इस घटना की सूचना खुड़िया चौकी प्रभारी को दी गई, जिसके बाद नौका विहार के सदस्य और चौकीदारों की सहायता से रोहित यादव का शव बांध से बाहर निकाला गया। वहीं पुलिस ने बताया कि शव का पंचनामा कर सबको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। आज भरत विश्वकर्मा चौकी आकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि कल रात्रि 8 बजे ये लोग गश्त पे निकले हुए थे भरत विश्वकर्मा रोहित यादव के साथ, 10:30 बजे के आसपास उलट के पास नाव पलटने से भरत विश्वकर्मा निकल गए, रोहित यादव जो जाल में फंसने से मृत्यु हो गया, जिसकी जांच पंचनामा की जाए, पीएम कार्रवाई की जा रही है। मुंगेली से प्रीतम दिवाकर, सीजी विजन टीवी।